नमस्कार, आप ना पंजे देख रहे हैं विराट बघेली बुलेटिन सोनू के साथ। रीवा जिला में एह दिना अपराधन की बाढ़ आई गई है। आए दिना चोरी लूट हत्या की घटना घटित हो रही है। वहीं दूसरे कई सगले जिला में जम के मादक पदार्थन की बिक्री हो रही है। लगातार कबाड़ी मोहल्ला में नशीली सिरप और गांजा की बिक्री होत लागी। कबाड़ी मोहल्ला में आवत रही गांजा के खेप की सूचना मुखबिर से पुलिस का दिन गई रही, जेके बाद पुलिस घेराबंदी कई के नशीली कप सिरप का बरामद कर लीन हवा और आरोपी के खिलाफ NDPS एक्ट के धारा में मामला पंजीबद्ध कई के जांच की जात लागी। जैन सिटी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के 25 साल पूरा होई मां जैन सिटी रीवा मां सिल्वर जुबली महोत्सव मनावा का साल भर चले वाले कार्यक्रम के कड़ी मां ब्लड डोनेशन अवेयरनेस नशा मुक्ति और रोड सेफ्टी कार्यक्रम के आयोजन की गहबर। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रीवा कलेक्टर मनोज पुष्प और रीवा SP नवनीत भसीन रहे। माननीय चेयरमैन सर ने आज से ठीक 25 साल पहले जैन सिटी ग्रुप की स्थापना की थी और आज हमको ये बड़ी खुशी और हर्ष हो रहा है कि हमने सफलतापूर्वक 25 वर्ष शैक्षणिक यात्रा के रूप में पूर्ण कर लिए हैं। और इन 25 वर्षों में माननीय चेयरमैन सर ने सभी ऐसे गरीब छात्र जिन्होंने इंजीनियरिंग करने का सिर्फ सपना देखा था, उन सभी को इंजीनियर बनाया। अगर हम सामाजिक सरोकार की बात करें, सामाजिक चेतना की बात करें, तो उस कड़ी में हम हमेशा अनवरत काम करते रहते हैं। चाहे ब्लड डोनेशन कैंप की बात हो, चाहे गरीब बच्चों की शिक्षा की बात हो, या अन्य ऐसे सामाजिक काम जहां पर भी जैन सिटी की ज़रूरत पड़ी है, तो इन 25 वर्षों में जैन सिटी हमेशा आगे बढ़ के खड़ा रहा है। रखना चाहिए नई फैकल्टी, नया कोर्स, नए पाठ्यक्रम और एक विश्वविद्यालय का प्लान हम लोगों का है। कब पूरा करेंगे अभी ये पता नहीं है, लेकिन योजना मन में है कि वे विश्वविद्यालय चलाएंगे और यहाँ अपने जिले के संभाग के छात्रों के लिए पठन पाठन की सस्ता, सुलभ और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराए। या कुछ और पाठ्यक्रम आने वाले हैं? पाठ्यक्रम तो निश्चित तौर पर व्यावसायिक पाठ्यक्रम जो भी होते हैं, जिस पर बच्चों को रोजी रोजगार मिलते हैं, उनके विषय में हम लोग सोचते हैं और उनको ले आते हैं। 25 वर्ष हो जाने पर क्या कार्यक्रम किए गए आज? 25 वर्ष पूरे होने पर पूरे साल कोई ना कोई सामाजिक कार्यक्रम, बच्चों के बौद्धिक विकास के कार्यक्रम और समाज के जो भी अच्छे कार्यक्रम होंगे, हम लोग उसको प्लान करेंगे। आज पिछले साल जैसा बच्चों का ब्लड डोनेशन का कार्यक्रम यहाँ रखा था, जिसमें कलेक्टर रीवा के और SP आए थे, जो बच्चों को प्रोत्साहित कर रहे थे। और चूँकि कार्यक्रम में जिले के महत्वपूर्ण प्रशासनिक अधिकारी आए थे, इसी बीच हमने उनसे रिक्वेस्ट किया था कि बच्चों के बौद्धिक विकास के लिए और उनको जो सीक्रेट ऑफ सक्सेस है, सफलता का मूल मंत्र भी बताएं, जिससे बच्चों के भविष्य बनाने में कुछ लाभप्रद हो सके। चुराटा थाना क्षेत्र के पड़िया मोड़ में युवक के ऊपर प्राणघातक हमला के बाद मौत हो गई रही। पुलिस पंचनामा कार्यवाही करते रही कि गुस्साए परिजन सब कलई के अस्पताल चौराहा पहुंचे और जाम लगाए दीन। इस दौरान एक ठे ऑटो में तोड़ फोड़ कर दीन। अपना का बताए दही नितेश यादव नाम के युवक के लूट के इरादा से हत्या कर दीन गई रही, जेके आरोपी के नाम परिजन पुलिस का बताएं, वह पुलिस गिरफ्तार नहीं कर पाए। आई अपना का दिखाई थे घटना के कुछ तस्वीर और सुनाई थे नायब तहसीलदार का जानकारी दीन। फोटो ले रहे हैं, कल रात में पड़िया मोड़ पर दुर्घटना घटित हुई थी, उसमें नितेश यादव की 20 वर्ष की उम्र बालक की लूट के हुई है, उसके साथ घटना हुई है। उसी के दौरान मारपीट के दौरान बालक के साथ हुई थी। बालक को कन्या गांधी हॉस्पिटल लाया गया था, जहां डॉक्टरों ने इलाज के दौरान उसे मृत घोषित कर दिया था। सुबह उसका PM होना था, PM को ही के ही पूर्व परिजनों के द्वारा बॉडी हॉस्पिटल से ला करके या हॉस्पिटल चौराहे पर रख दी गई थी। परिजनों को आकर के प्रशासन के द्वारा समझाइश दी गई कि PM करा ले,
उसके पश्चात ही अन्य जो कार्यवाही चल रही पुलिस के द्वारा, हाँ आरोपी की तलाश पर TI चौराहा से बात हुई है, जहाँ पर पुलिस उनकी तलाश कर रही है और जैसे होगा आरोपी की जल्द से जल्द गिरफ्तारी की जाएगी। दर्शनकारियों ने ऑटो पर रोक रोकी है। हाँ, एक ऑटो को यहाँ पर क्षतिग्रस्त हालत में देखा गया है, ऑटो को अभी किनारे रख लिया गया है, ऑटो चालक द्वारा जैसे भी जानकारी दी जाएगी वैसे भी कार्यवाही आगे। परिजनों ने यहाँ लाकर के बॉडी हॉस्पिटल चौराहे पर रख दिया गया था, वो PM में हुई देरी को लेकर के नाराज थे, तो अभी बॉडी को वापस हॉस्पिटल भिजवा दिया गया और PM की तैयारी की जा रही है वहाँ पर। सतना के सिंहपुर थाना में आबई वाले रेंगाव के परोत गांव में भागवत कथा चलत रही, जेकर समापन भा। सब श्रद्धालु नदी में वेदी विसर्जन करे आए रहे, तब एक युवक के पैर फिसलई से नदी में गिर गया, जेका बचावे दुई जने नदी में कूद पड़े, जैसे अरुण गुप्ता 45 साल के मौके में मौत हो गए, वहीं धीरज बागरी 38 साल और रजनीश गुप्ता 40 साल का गांव वालेन की मदद से घायल युवकन का नागौद अस्पताल लावा गया, जिनका नागौद में इलाज के बाद हालत गंभीर हो से सतना जिला अस्पताल में भर्ती कराए के इलाज चलत लावे। एक ग्राम पंचायत पड़रौत के पड़रौत मुख्यालय है, वहाँ का मामला है, वहाँ भागवत हो रही थी, आज 9 दिन हो गए भागवत को, आज विसर्जन था। विसर्जन के दौरान हमारे यहाँ परंपरा है कि नदी में जो हवन होता है उसकी राख को वहाँ सिराते हैं, पूरा गांव सिराने के लिए गया था, वहाँ सिरा रहे थे उस राख को, तो एक लड़का जो गुप्ता का है वो लड़का नदी के पास गया, पैर उसका स्लिप हो गया, पैर स्लिप होने का कारण वो नदी में गिर गया, उसके गिरने के बाद एक बागरी का लड़का और एक गुप्ता ये बचाने के लिए गए, उसको बागरी का लड़का पहले गिरा, उसको बचाने के लिए दो लड़के गए हैं, तो दोनों लड़के फिर उससे नहीं निकल पाए, फिर जब गांव वाले सब दौड़े रस्सी ले आए, हम लोग सब वहीं थे स्पॉट में, वहां लाने के बाद फिर नीचे दबे रह गए कोई 15 मिनट, कोई 10 मिनट, कोई ये जो गुप्ता वाला लड़का है अरुण गुप्ता, ये तो काफ़ी देर तक लाश में इसको निकाला गया, जिसको अभी जिला अस्पताल में डॉक्टर साहब ने मृत घोषित कर दिया है। दो की स्थिति गंभीर है, एक को बिरला ले गए हैं, एक को ही वार्ड नंबर 6 में एडमिट किए। जी शासन की तरफ से पुलिस दल वहाँ पहुँच गया था, और पुलिस दल पहुँच गया था, पर गांव वालों ने ला के फिर हम लोग गाड़ी में अपने ला के नागौद ले गए, नागौद के बाद से सतना ले गए, नागौद ले गए थे, नागौद में प्राथमिक उपचार हुआ, उन्होंने इनको मृत घोषित कर दिया अरुण गुप्ता को, फिर वहाँ से हम सतना के लिए रेफर करवा लिए। मेरे छोटे भाई अरुण कुमार गुप्ता की घटना हो गया, ये धीरज बागरी फिसल कर गिर गया है, उसके बचाने के लिए ये कूदे हैं, जो कि ये नहीं निकल पाए, फिर तीसरा क्या नाम रजनीश गुप्ता भी कूदा है, तो ये फिर ये तीनों नहीं निकल पाए, तो गांव वाले फिर और आदमी दौड़ के बचाए हैं तीनों को। घटना कैसी हुई आपकी जी? घटना कैसे हुई है बताए ना, कुछ को बचाने के लिए कूदा, कार्यक्रम था वहाँ पे, कार्यक्रम था भागवत ही, आज विसर्जन था भागवत का, उसी की बेदी सिराने के लिए वहाँ गए थे। क्या नाम लिखते हैं आप? घनश्याम दास गुप्ता। आज खातिर इतना, बघेली में बिंद के समाचार देखे खातिर बने रही विराट के साथ, नमस्कार।